अब हम जो नया टॉपिक है इसका वो कंप्लीट करेंगे, इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। लेट दिस चैप्टर कंप्लीट। आर्टिस्टिक वाटर सोर्सेस क्या करते हैं, सोर्सेस पढ़ेंगे। देखिए आर्टिस्टिक मतलब कि वो खुद इंसान ने बनाया है, ठीक है। कृत्रिम इसको बोलते हैं, कृत्रिम मतलब खुद सेल्फ बनाया गया। सीन्स लॉन्ग टाइम इन राजस्थान द वेल्स एंड स्टेप वेल्स, बहुत लंबे समय की बात है राजस्थान के अंदर जो कुएं और स्टेप वेल बावड़ी जो होती है पानी की, है बीन अ सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड इरिगेशन। वो क्या हुआ करती थी, सोर्स हुआ करती पानी का, स्रोत पानी पीने का पानी और सिंचाई के लिए वो यूज की जाती थी। स्पेशली द स्टेप वेल इन विच द अट्रैक्टिव स्टेयर आर मेड ऑन द साइड्स टू रीच द वाटर। स्पेशली जो बावड़ी हुआ करती थी ऐसी अट्रैक्टिव नीचे सीढ़ियां बनाई जाती थी जो बावड़ी तक पहुंचाती थी। द स्टेप वेल्स आर द सोर्स ऑफ वाटर एंड अलोंग विद दिस, और स्टेप वेल्स जो है उससे जुड़ी होती थी सोर्स ऑफ वाटर पानी के स्रोत से। दे फुलफिल द सोशल एंड रिलीजियस नीड्स ऑफ द पीपल, दे फुलफिल इसी तरह से लोग अपनी सोशल मतलब सामाजिक और धार्मिक जरूरतों को पूरा करते थे। रिप्रेजेंट द एंशिएंट आर्किटेक्चर, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये बताया जाता है, इससे पता लगता है कि पुराने आर्किटेक्चर किस तरह से बावड़ी बनाया करते थे, मतलब किस तरह से उनका आर्किटेक्चर का पता चलता था कि वे किस तरह से कोई भी काम करते थे। वो द नेम्स ऑफ द सम ऑफ वेरी ओल्ड स्टेप वेल्स आर द, यहाँ पे कुछ ऐसी पुरानी वेल्स के बारे में, स्टेप वेल्स बावड़ियों के बारे में नाम बता रखे हैं। देखिए पर्चा बावड़ी ऑफ रामदेवरा, ये पर्चा बावड़ी है रामदेवरा में। खिन्नी बावड़ी ऑफ जालौर, ओके खिन्नी बावड़ी ऑफ जालौर। चंद बावड़ी ऑफ द अभनेरी एंड द स्टेप वेल्स ऑफ ओसिया है ना, और बीनमाल बूंदी खेतरी है ना, आमेर नीबराना एक्सेट्रा, बहुत सारी ऐसी बावड़ियां हैं जो राजा महाराजाओं ने बनाई है। मैनी ऑफ देम आर गेटिंग डेटोरेटेड डे बाय डे ड्यू टू लैक ऑफ मेंटेनेंस, बहुत सारी तो इसमें से क्या होती जा रही है, गेटिंग डेटोरेटेड, डेटोरेटेड मतलब कि खराब होती जा रही है, टूट फूट होती जा रही है, क्योंकि क्या हो रही है, ड्यू टू लैक मेंटेनेंस, क्योंकि उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा, ड्यू टू लैक ऑफ मेंटेनेंस की वजह से उनकी मेंटेनेंस नहीं हो पा रही, इसी वजह से वो बावड़ी क्या हुए हैं डेटोरेटेड होती जा रही है। हमें क्या होना चाहिए, हमें जागरूक होना चाहिए इन सब चीज के बारे में, हमें उनका ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। द वाटर ऑफ द पर्चा बावड़ी ऑफ रामदेवरा इज कंसीडर्ड वेरी सेक्रेड, जो पर्चा बावड़ी है रामदेवरा में, जो पर्चा बावड़ी है वो एक तरह पवित्र मानी गई है, पवित्र मतलब बहुत ज्यादा उसको पूजा किया गया। देयरफॉर द पिलग्रिम्स हु विजिट द दिस प्लेस, जहाँ पर जो कि धार्मिक जो लोग आया करते हैं विजिट करने, टेक वाटर अलोंग विद देम, अपने साथ इस पानी को ले जाया करते हैं। द मेडिटरी बावड़ी ऑफ द झुंझुनू इज वेरी एंशियंट, ठीक है। ये मेडिटरी बावड़ी है एक जगह झुंझुनू में, ये भी बहुत पुरानी है, ब्यूटीफुल है, आर्टिस्टिक स्टेप वेल है, इसकी जो गहराई है डेप्थ है वो 150 मीटर है। मैनी पी फॉल्स झरोखा मतलब जो देखने के लिए होते हैं उसे बोलते हैं फी फॉलर्स, और कॉरिडोर्स आर देयर इन द स्टेप वेल, स्टेप के कॉरिडोर झरोखा ये सब चीज हैं यहाँ पे पी फॉल्स। ऑब्जर्व एंड डिस्कस द फॉलोइंग पॉइंट्स, व्हाई आर द स्टेयर्स कंस्ट्रक्टेड इन द स्टेप वेल्स, बाकी में स्टेयर्स क्यों बनाई जाती थी है ना, क्यों बनाई जाती है बताओ, वहां तक पहुंचने के लिए। एक्सप्लोर एंड राइट अबाउट एनी स्टेप वेल इन योर नियर बाय एरिया हु कंस्ट्रक्टेड इट, एक्सप्लोर करो इस चीज के बारे में, बताओ कि स्टेप वेल आपके आसपास कोई जो स्टेप वेल है बावड़ी है किसने बनवाई थी, और उसका लेवल क्या है, वाटर इन द स्टेप वेल उसका लेवल क्या है, इसकी क्वालिटी कैसी है पानी की, ये सब बताना, और लेवल कितना पानी का उसका। द वाटर ऑफ स्टेप वेल मस्ट नॉट पॉल्यूट, स्टेपवेल का पानी जो होता है उसे हमें गंदा नहीं करना चाहिए। व्हाट एफर्ट शुड बी मेक दिस रिगार्ड, हमें क्या क्या ऐसे एफर्ट लगाने चाहिए ताकि इसको हम बचा सकें,
वेल जो कुएं होते हैं वो गोल गोलाकार होते हैं, द पक्का वॉल्स, उनके आसपास की दीवारें पक्की होती हैं। देयर आर मेनी वे टू टेक आउट वाटर फ्रॉम द वेल, बहुत सारे तरीके होते हैं, मतलब सारे उस पानी को जो हम निकालते हैं उसको हम बहुत तरीकों से यूज कर सकते हैं, ठीक है। देयर आर मेनी वेज टू टेक आउट वाटर फ्रॉम द वेल, बहुत तरीके होते हैं पानी को निकालने के लिए। सब लाइक आर्टिस्टिक कैनोपीज, छतारियां, छतरियां और फरोज, खेलिया और सिस्टर्न्स, कुंडियां वर आल्सो कंस्ट्रक्टेड ऑन द स्क्वायर शेप्ड प्लेटफॉर्म चबूतरा नियर, ठीक है, वेल के आसपास ही सारी चीजें उसको सुंदर बनाने के लिए किया जाता था, ठीक है। छतरियां, फरोज और सिस्टर्न्स, मतलब ये कुंडियां, खेलिया है ना, छतरियां, इस तरह की चीजें वहां पे सजाई जाती थी। कंस्ट्रक्ट ऑन अ स्क्वायर शेप, और किस कैसे शेप में था, स्क्वायर शेप में चबूतरे। अब है थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग, ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ वेल एंड अ स्टेप वेल, अच्छा एक कुआं और एक बावड़ी, उसके दोनों के बीच में अंतर क्या है। फ्रॉम वेयर डज द वाटर कम इन अ वेल, पानी वेल में पानी कहां से आता है। ए पॉन्ड इज शोन इन द अबव पिक्चर, इज इट्स वाटर सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग, एक पॉन्ड, यहां पे पॉन्ड दिखा रखा है ना, इसमें बच्चा भी नहा रहा है, जानवर भी पानी पी रहे, क्या वो पानी पीने के योग्य है। ड्यू टू विच रीजंस द ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेस आर गेट पॉल्यूटेड, कौन कौन से ऐसे कारण है जिसकी वजह से पीने का पानी गंदा होता जा रहा है। वाटर फ्रॉम द ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेस शुड रिमेन अनकंटेमिनेटेड एंड सेफ, हमें पीने के पानी को कैसा रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए, अनकंटेमिनेटेड और सेफ रखना चाहिए। व्हाट एफर्ट शुड वी मेक दिस रिगार्ड, हमें क्या क्या एफर्ट करने चाहिए ताकि हम उसको साफ रख सके पीने के पानी को। ह्यूज डैम्स, डैम्स मतलब होते हैं पानी के ऊपर, नदी के ऊपर बनाए जाते हैं। देयर इज अ कंटीन्यूअस इंक्रीज इन पॉपुलेशन विद टाइम, देयरफॉर टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर ह्यूज डैम्स आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर, ठीक है। यहाँ पर देखो दिन प्रतिदिन जो है पॉल्यूशन, पॉपुलेशन आपकी बढ़ती जा रही है, तो इसकी वजह से उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करना भी जरूरी है, तो बड़े बड़े क्या बना दिए गए, ह्यूज डैम्स बना दिए गए उनके ऊपर, रिवर्स के ऊपर। डैम्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन माही रिवर इन बांसवाड़ा, देखो एक माही रिवर का नाम है कि बांसवाड़ा में बहती है, उसमें भी डैम बनाए गए। और चंबल रिवर इन कोटा, कोटा में तो आपने देखा ही है, चंबल है उसके ऊपर भी एक डैम बना हुआ है। दीज डैम्स हेल्प इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटीज, ये जो डैम्स है ना इन्हीं की वजह से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, मतलब ये डैम्स से क्या बनाई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बनाई जाती है। डैम हेल्प करते हैं क्योंकि वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, एंड ऑल्सो सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड इरीगेशन, और ये हमारे पीने का भी सोर्स है और हमारा ये इरीगेशन, हमारे खेतों में पानी जाता है, इरीगेट होता है। यू विल स्टडी द प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द डैम्स, आप इसके बारे में प्रोसेस भी पढ़ेंगे कि किस तरह से डैम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है इन योर हायर क्लास, मतलब बड़ी क्लास में देखेंगे। देखिए माही बाजार सागर डैम दिखा रखा है आपको, कौन सा डैम है और ये कहाँ पर, माही बांसवाड़ा में, देखो माही बाजार सागर डैम दिखा रखा है, इस तरह से डैम बना हुआ है। हमने क्या क्या पढ़ा भी है, लर्न द वेल्स एंड द स्टेबल्स आर अवर सोर्सेस ऑफ वाटर, जो कुएं हैं और जो बावड़ियां हमारे क्या है, पानी के स्रोत हैं। वी शुड कीप अवर वाटर रिजर्वियर्स एंड इट्स नियर बाय प्लेसेस क्लीन, हमें वाटर रिजर्वियर्स को बचा के रखना चाहिए और उनके आसपास साफ सुथरा रखना चाहिए। डैम्स आर यूज्ड एज सोर्सेस ऑफ वाटर इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड इरिगेशन, डैम्स आर यूज, डैम्स को किसके लिए यूज किया गया है, सोर्स ऑफ वाटर, पानी के स्रोत के लिए, और इससे ही हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है और सिंचाई हो रही है। तो आप ये आपके या आप कुछ फिल करेंगे, ये अंडरस्टूड एंड नाउ टेल, ये बताना है आपको, खुद फिल करना है, ये नोटबुक पे भी करने हैं, ठीक है, ये मैं आपको भेजूंगी, इसके PDF करने हैं और इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है, इसके अंदर से जो इंटरनली क्वेश्चंस हैं, इफ यू खुद फिल करके देखना। द पब्लिक वाटर सोर्सेज आर आवर नेशनल प्रॉपर्टी, जो हमारा पब्लिक वाटर है वो हमारा क्या है, हमारे राष्ट्र की संपदा है, वी मस्ट कंजर्व दैम, हमें इसको बचाना चाहिए, हमें इसे क्या करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए, ठीक है। ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है।
सो मच, रीड करना।